हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने देखो सीखो चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उद्योग प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2018 जिसका एग्जाम 22 जुलाई 2018 को हुआ था में पूछे गए थे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन बी, इसमें HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान सरकार का हिस्सा 20% है। ऑप्शन सी, इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए की है। ऑप्शन डी, यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, इसमें HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान का हिस्सा 20%। यह कथन राजस्थान रिफाइनरी के बारे में असत्य है। इसमें HPCL का हिस्सा 75% तथा राजस्थान सरकार का हिस्सा 25% है। दो नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि है। राजस्थान में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2012 से 2017 तक है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। तीन नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूमि सुधार का रूप माना जाता है। ऑप्शन ए, यंत्रीकरण। ऑप्शन बी, अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग। ऑप्शन सी, भू जोतों की सीमा का निर्धारण। ऑप्शन डी, कृषि शाख। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, भू जोतों की सीमा का निर्धारण भूमि सुधार का रूप माना जाता है। चार नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में बृहत उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। ऑप्शन ए, विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता। ऑप्शन बी, उद्यमिता का अभाव। ऑप्शन सी, परिवहन सुविधाओं का अभाव। ऑप्शन डी, पूंजी का अभाव। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत आपूर्ति की कमी एवं अनिश्चितता राजस्थान में बृहत उद्योगों की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। पांच नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में किस योजना के अंतर्गत गांव के शिक्षित युवा अथवा गैर सरकारी संगठन की सेवाएं गहन पशु प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए, कामधेनु। ऑप्शन बी, गोपाल। ऑप्शन सी, कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम। ऑप्शन डी, कृष्णा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल। छह नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। दोस्तों, राजस्थान में बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, बाड़मेर। बाड़मेर का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। कपड़े पर हाथ से छपाई का कार्य ब्लॉक प्रिंटिंग कहलाता है। राजस्थान में बाड़मेर की अजरक प्रिंट व मलीर प्रिंट प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़ की आजम प्रिंट प्रसिद्ध है। सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है। बगरू की बगरू प्रिंट प्रसिद्ध है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सात नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, HYV बीजों का उपयोग बढ़ाना। ऑप्शन बी, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटाना। ऑप्शन सी, सहकारी ऋण सुविधा का बढ़ाना। ऑप्शन डी, सकल कृषि क्षेत्र का बढ़ना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग घटाना राजस्थान की हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। आठ नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें निःशुल्क नागरिक ईमेल सुविधा दी जाती है और इसका उपयोग करने वाले अपना ईमेल एड्रेस प्रादेशिक भाषाओं एवं हिंदी में बना सकते हैं। इस सुविधा को राजमेल कहते हैं, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, राजमेल। नौ नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रूडा के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, इसकी स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी, अर्थात रूडा की स्थापना नवंबर 1995 में हुई थी। ऑप्शन बी, यह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, यह तीन उप क्षेत्रों चमड़ा, ऊन तथा लघु खनिज के अंतर्गत अपनी गतिविधियां संचालित करता है। ऑप्शन डी, इसमें ब्लू पोटरी, कोटा, डोरिया तथा सांगानेर व बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसी शिल्प कलाओं के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, यह प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में
गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देता है, यह कथन रूडा के बारे में सही नहीं है। राज्य के ग्रामीण अकृषि क्षेत्र हैंडलूम हस्तशिल्प व कृषि ऊन खनिज आधारित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान में नवंबर 1995 में रूडा की स्थापना की गई थी। वर्तमान में रूडा द्वारा 6 बड़े उप क्षेत्रों जैसे ऊन एवं वस्त्र, चमड़ा, स्टोन, सिरेमिक व पॉटरी, हस्तशिल्प, हथकरघा एवं खादी ग्रामोद्योग में कार्यरत हस्तकारों के विकास हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किन शहरों को राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर, उदयपुर, कोटा तथा अजमेर को राजस्थान में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष में हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 1961 में। राजसिको की स्थापना 1961 में हुई थी। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना अप्रैल 1955 में हुई थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, एशियन विकास बैंक द्वारा जयपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वित्त पोषण किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 1955 में। 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2017 में कुल डाकघरों की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 10,311। राजस्थान में वर्ष 2017 में कुल डाकघरों की संख्या 10,311 थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए पवन, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी जल विद्युत ऊर्जा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, तापीय। राजस्थान को तापीय स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2017-18 में राजस्थान का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 6,41,940 करोड़ रुपए। 2017-18 में राजस्थान का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद था। 17 नंबर क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत 2016-17 में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 261 ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत। 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में अब तक कितनी पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाएं लागू की जा चुकी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 12 पंचवर्षीय और 6 वार्षिक योजनाएं राजस्थान में अब तक लागू की जा चुकी है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में दिसंबर 2017 तक कितने सार्वजनिक निजी साझेदारी द्वारा संचालित परियोजनाएं पूर्ण हो गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 153 योजनाएं अब तक पूरी हो चुकी है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 2018-19 के राजस्थान के बजट में की गई घोषणा के अनुसार ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट स्थापित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर में। जयपुर में ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण के लिए मिनी प्लांट स्थापित किया जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, परमार। परमार बिजोलिया के जागीरदार थे। 22 नंबर क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध में लड़ा गया था? गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में लड़ा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, 1883 में निम्न में से किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी, उदयपुर में। उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी सिसोदिया वंश, ऑप्शन सी चौहान वंश और ऑप्शन डी चालुक्य वंश। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सिसोदिया वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, झालावाड़। झालावाड़ जिले में गागरोन का किला स्थित है। ये गागरोन का किला एक जल दुर्ग है।
इस दुर्ग में पत्थर की वर्षा करने वाला विशाल यंत्र भी स्थित है और यह दुर्ग मुकंदरा की पहाड़ी पर बना हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन, चौतारा कामायचा कौन से लोकवाद्य परंपरा से जुड़े हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी तत्ववाद्य। चौतारा कामायचा तत्ववाद्य लोकवाद परंपरा से जुड़े हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान सेकावाटी के पंचपाणी ठिकानों में से एक नहीं था? ऑप्शन ए दुडलोद, ऑप्शन बी मलसीसर, ऑप्शन सी मंडावा, ऑप्शन डी श्री माधोपुर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी श्री माधोपुर। श्री माधोपुर 1920 के किसान आंदोलन के दौरान सेकावाटी के पंचपाणी ठिकानों में से एक नहीं था। 28 नंबर क्वेश्चन है, मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व है निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन ए दामोदर दास राठी, ऑप्शन बी अर्जुन लाल सेट्टी, ऑप्शन सी स्वामी गोविंदगिरी और ऑप्शन डी जमनालाल बजाज ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी स्वामी गोविंदगिरी ने मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा स्तियन जाति के वंशज माना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी जेम्स टोड ने राजपूतों को शक या स्तियन जाति के वंशज माना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, पंडित नैनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए कोटा। पंडित नैनूराम शर्मा कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए महावीर जी, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी बाड़मेर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी बाड़मेर। बाड़मेर पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध स्थान है। 32 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नू रुसन की रचना की गई? सत्यभामा जी नू रुसन की रचना मीराबाई द्वारा की गई थी, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस तल से प्राप्त मर्त भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी आहट, ऑप्शन सी कोट डिगी और ऑप्शन डी गिलुंड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त मर्त भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी दुल्हेव, ऑप्शन सी रणकपुर, ऑप्शन डी कांकरौली। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दुल्हेव। ऋषभ देव के मंदिर राजस्थान में दुल्हेव स्थान पर स्थित है। ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर के दुल्हेव गाँव में स्थित है। इसे केसरिया जी या केसरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन तीर्थ अरावली पर्वतमाला की कंदराओं के मध्य कोयल नदी के किनारे पर है। 35 नंबर क्वेश्चन, 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी अलवर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी धौलपुर। 1948 में धौलपुर राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राजप्रमुख बनाया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए अलवर। अलवर अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था। 37 नंबर क्वेश्चन, गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस शहर से है? गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के जोधपुर शहर से है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? रानी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत को पद्मश्री उनके साहित्यिक क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी साहित्यिक क्षेत्र। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सी फतिक द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अलवर पत्रिका, ऑप्शन बी नव राजस्थान, ऑप्शन सी नवीन राजस्थान, ऑप्शन डी राजस्थान केसरी। इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है राजस्थान केसरी। 40 नंबर क्वेश्चन है, दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के किस राज्य का इतिहास संकलित है? दयाल दास की ख्यात में राजस्थान के बीकानेर राज्य का इतिहास
संकलित है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा एक कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए शुष्क क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, ऑप्शन सी मरुस्थलीकरण से द्वंद कार्यक्रम और ऑप्शन डी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH71B है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए 10.45%। 44 नंबर क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया जाता है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खादान का कोटरा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन डी बनास बेसिन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी पूर्वी मैदानी प्रदेश को खादान का कोटरा भी कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की भारत के कुल पशुधन में कितने परसेंट भागीदारी है। राजस्थान राज्य की भारत के कुल पशुधन में 11.27% भागीदारी है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 11.27%। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए बहावलपुर, ऑप्शन बी खैरपुर, ऑप्शन सी मीरपुर और ऑप्शन डी लायलपुर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी लायलपुर। लायलपुर पाकिस्तान का एक ऐसा जिला है जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। बहावलपुर, खैरपुर, मीरपुर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मालवा पठार किसका विस्तार है। ऑप्शन ए दक्षिणी अरावली का, ऑप्शन बी हाड़ौती पठार का, ऑप्शन चंबल बेसिन पहाड़ियों का और ऑप्शन डी हिमालय का विस्तार है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी हाड़ौती पठार। मालवा पठार हाड़ौती पठार का विस्तार है। 49 नंबर क्वेश्चन है, दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। दुर्गापुर केसर एक तरबूज की प्रसिद्ध किस्म है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी तरबूज की। 50 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में वर्तमान कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान में वर्तमान में 25 वन्य जीव अभ्यारण्य है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मृदा अपरदान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए जंगल काटना, ऑप्शन बी हिमानी क्रिया, ऑप्शन सी वायु अपरदान, ऑप्शन डी जलीय अपरदान। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हिमानी क्रिया। हिमानी क्रिया राजस्थान में मृदा अपरदान से संबंधित नहीं है। 52 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सुरक्षित वन, ऑप्शन बी रक्षित वन, ऑप्शन सी अवर्गीकृत वन और ऑप्शन डी वर्जित वन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सुरक्षित वन। राजस्थान में सुरक्षित वन प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के अरावली प्रदेश में राजस्थान के कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल 12 जिले शामिल किए गए हैं, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। शेर चोटी की ऊंचाई 1597 मीटर है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। शेर चोटी की ऊंचाई 1597 मीटर। 55 नंबर क्वेश्चन, ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। ऑप्शन ए झालावाड़ में, ऑप्शन बी डूंगरपुर में, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन डी सवाई माधोपुर में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी सवाई माधोपुर में ईसरदा सिंचाई परियोजना स्थित है। 56 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है। ऑप्शन ए दक्षिणी
ऑप्शन बी उत्तरी, ऑप्शन सी मध्य, ऑप्शन डी पूर्वी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए दक्षिणी। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के दक्षिणी प्रदेश का भाग है। 58 नंबर क्वेश्चन है, छप्पन मैदान का संबंध निम्न में से किस एक नदी से है? ऑप्शन ए ब्यास, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। छप्पन, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी माही। छप्पन मैदान का संबंध माही नदी से है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले को राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी सिरोही। सिरोही में राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है। और 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है? ऑप्शन ए श्री गंगानगर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी धौलपुर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिला चीनी मिल संयंत्र के कारण वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।